नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छाती में जमा हुए बलगम को निकालने का बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान उपाय। मैं लेकर आई हूँ लेमन टी की रेसिपी। आप सोचेंगे लेमन टी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, इसमें नया क्या है? पर इसमें नया बहुत कुछ है। लेमन टी को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है और इसमें एक दो चीज़ें हम और डालेंगे। लेमन टी में सभी लोग जैसे चाय पत्ती डाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेमन टी है नाम तो उसमें आप चाय पत्ती डाल लें। इसमें चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, वो आपको नुकसान ही करेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले तो देखिए, मैंने एक ये नींबू लिया है और इसको मैं दिखा रही हूँ कि कई लोग इसको आड़ा काट लेते हैं, वैसे नहीं काटना है। तो इसको बीच में से इस तरह से काटना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, तो सही तरीके से तभी प्रॉपर इसका जो रस है पूरा रस निकल पाएगा। तो इसको हमने नींबू को काट कर इसका रस एक कटोरी में निकाल लेना है। कागजी नींबू लेना जिससे कि रस थोड़ा अच्छा सा निकल जाए। एक नींबू लिया है, बड़े साइज का है, तो इसमें मैं 2-3 कप चाय बनाऊंगी। अब मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें डाल रही हूं मैं 2 कप पानी। जो सही तरीका होता है लेमन टी का वही मैं बता रही हूँ। लेमन टी सभी बनाते हैं पर ज़्यादातर गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो लेमन टी का सही तरीका आपको बता रही हूँ। ये अदरक डाली है मैंने, 1 इंच का टुकड़ा लिया है और उसको मैंने कूट कर डाला है। और ये डाल रही हूँ मैं 2 चुटकी के आसपास काली मिर्च, और इसमें डाला है मैंने गुड़। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो गुड़ ना डालें, उनको गुड़ स्किप करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने इसमें 3 चीज़ें डाली हैं, अदरक, काली मिर्च और गुड़। लो मीडियम फ्लेम पर हमने पानी को उबलने देना है। इतना उबालना है कि ये 2 कप का 1.5 कप रह जाए। फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। जब तक ये पानी उबल रहा है तब तक मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ। अभी मैंने देखिए नींबू इसमें ऐड नहीं किया है। तो देखिए, इसमें नींबू में आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी होने की वजह से इसमें ये गले की सूजन को कम करता है, और अगर किसी का गला खराब है तो उसको ये ठीक करता है। इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, और मॉर्निंग में भी ले सकते हैं और नाइट में भी ले सकते हैं। आप जैसे रात का खाना खाते हैं तो खाने के बाद भी आप इसको 1 घंटे बाद ले सकते हैं। ये इसमें एक अच्छा गुण ये है कि ये जमे हुए कफ को पिघलाता है, नींबू का सबसे अच्छा गुण है। तो इसीलिए मैं ये लेमन टी आपको बता रही हूँ कि जिसकी भी कफ जम गया है तो ये कफ को पिघलाएगा और उसको बाहर निकालेगा, और इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ होगा तो कोई भी बीमारी होगी तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, ठीक होने में मदद मिलेगी। और ये कब्ज को तोड़ता है, जिनको कब्ज रहती है तो ये कब्ज को तोड़ता है। गैस नहीं बनती है इसको पीने से, और पाचन शक्ति तीव्र होती है, पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है। अब गैस को हमने कर दिया है बंद। अब देखिए, इसको मैं छान रही हूँ कप में। अब देखिए, 1 कप में बस इतना ही लेमन जूस डालना है, ये खाने वाला चम्मच है और वो भी पूरा भरा हुआ नहीं है। तो दूसरी गलती क्या करते हैं कि जिसी ने बता दिया लेमन टी पी लो, अब लेमन कितना डालना है ये तो आप समझिए कि कितना लेमन डलेगा। तो खाने वाला जो चम्मच है वो भी पूरा भर के नहीं डालना है 1 कप में, तो इतना ही लेमन हमने डालना है। और हमने पहले इसको छान लेना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है, पहले उबलते हुए पानी में नहीं डालना है। तो इस तरह से हम अगर लेमन टी बनाएंगे तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा लेमन यूज़ करने से हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि ये घुटनों की ग्रीस को सुखा देता है। तो बहुत ज़्यादा लेमन नहीं यूज़ करना चाहिए, जितनी मात्रा मैंने बताई है उतना ही आप डेली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा।